हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है सप्तमी का दिन और हम लोग जा रहे हैं अपने नए फ्लैट में। पूरे फैमिली, मम्मी पापा भाई मैं, चारों जाएंगे आज नए फ्लैट में और मम्मी पापा के साथ वहाँ पे थोड़ा सा वक्त बिताएंगे आज हम लोग। यही प्लानिंग है सप्तमी का आज। और आसपास में थोड़ा देखेंगे लोकेलिटी को, क्योंकि नई जगह है, जानते नहीं है ज़्यादा, कैसे दुर्गा पूजा हो रही है वहाँ पर, सब कुछ देखेंगे आज। पानी घुमा देता हूँ टैंकी का जाने से पहले। ये रात को एक बार चेंज करना पड़ता है और दिन को एक बार चेंज करना पड़ता है, ये सिस्टम है यहाँ का। भाई वहाँ से चादर ले रहा था। एक्चुअली नया फ्लैट में अभी भी कुछ सामान रखा नहीं है, पूरा खाली है, तो बैठने के लिए भी चाहिए होगा। आज का मौसम क्लाउडी होके रखा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है। मुझे ऐसा, मेरा विषय है कि बारिश नहीं हो और थोड़ा क्लाउडी भी रहे तो गर्मी कम रहेगी। निकल तो गया है। यहाँ रेलवे ट्रैक का जो इशू है, पहले मैं बता रहा था दूसरे ब्लॉग में, तो गेट बंद है, बाहर भी जाम है, गाड़ी खड़ी है सब, तो वहाँ पे थोड़ा सा खाली रखा जाता है दायां बायां जाने के लिए। बाकी पूरा रोड ब्लॉक है, तो वेट कर रहे कि फाटक कब खुले और कब जाए हम लोग। ये हम लोग के कैरी रोड का रेगुलर इशू है। रेलवे ट्रैक फाटक खुली नहीं, तो हम लोग फिर से घूम के उल्टा जा रहे हैं। यहाँ से टाइम ज़्यादा लगता है, 10 मिनट ज़्यादा, तो क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा ऐसे ही। पहुँच चुके हैं। काफ़ी अंधेरा लग रहा है क्योंकि क्लाउडी है, रोशनी नहीं है। तो ये यहाँ से हम लोग जाएंगे थर्ड फ्लोर में हम लोगों का फ्लैट है। सीढ़ी में पिलर वगैरह लगना स्टार्ट हो गया है, जोर शोर से काम चल रहा है। अभी कोई आया नहीं है, हम लोग भी शिफ्ट हुए तो नहीं है, लेकिन जब हो जाएगा तो सब कुछ सामान वामान जल्दी जल्दी रख दिया जाएगा। दोस्तों पहुँच गए ऊपर, बैल्कनी में खड़े हैं और आवाज़ सुनाई दे रहा है आप लोगों की, पूजा का, हाँ पूजा चल रहा है यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे हम लोग का ये पहला दुर्गा पूजा है कौन नगर में। इससे पहले तो हम लोग कैरी रोड में रहते थे, तो पता नहीं कब शिफ्ट करेंगे ये तो अभी सोचा नहीं है, लेकिन आते रहेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि शायद एक सेटअप कंप्यूटर का यहाँ पे रख दिया जाए, ऐसा मैंने सोचा है एडिटिंग के लिए, ताकि अगर हम लोग यहाँ पर रहे, अगर मे भी कुछ दिनों के लिए अगर यहाँ पर रह रहे, ताकि हम लोग का काम जो है वो रुके ना स्लो ना हो, यहाँ पे हम लोग वो कर सके, एडिटिंग काम को आगे बढ़ा सके, ये सोच के रखा है। थोड़ा रुकेंगे, फिर खाना पीना बाहर होगा यहाँ पे ही, आज का यही प्लानिंग है। फिर थोड़ा गंगा किनारे चलेंगे। पापा बिजी है घूमने में, भाई भी बिजी हो गया है, छत का आनंद उठा रहे सब कोई, मैं भी आनंद उठा लेता हूँ छत का। रेस्टोरेंट का नाम है बॉम्बे स्पाइस, यहाँ पे आज लोग लंच करेंगे। देखते ढूंढते किस तरफ है, शायद ऊपर जाना होगा ऐसा लग रहा है। रिव्यू देखा था, रिव्यू में 4 रेटिंग है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये अच्छा है, तो देखते हैं, चेक करते हैं क्या है मेनू में। मेनू में थोड़ा सा लिमिटेड है, मेनू है, चाइनीज़ भी है, रोटी वगैरह भी है, बिरयानी है, है है। फ्लैट के बिल्कुल नज़दीक है ये जगह, आप देख सकते हो, देखिए तो उस पार ही दक्षिणेश्वर है, दक्षिणेश्वर, और इस पार है कौन नगर। मुझे ये अच्छा लगता है इस फ्लैट के बारे में कि मैं शाम को आके यहाँ पे आराम से बैठ सकता हूँ, फील कर सकता हूँ इस जगह को। खाना खा लिया, अभी थोड़ा सा वो आलस आ रहा है, अभी निकलना पड़ेगा कुछ देर में, शाम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर
सब पैंडल हॉपिंग के लिए निकलेगा तो क्या होगा, गाड़ी चलाने में दिक्कत हो जाएगा जैम की वजह से। हाँ हाँ को परेशान नहीं करते, मैं चलता हूँ। पापा गाड़ी लेके खड़े हैं रास्ते पे। 3:40 होने को है, 4 बजने वाला है। 3 बजे यहाँ से निकलने वाले थे, थोड़ा सा लेट हो गया 40 मिनट। चलता है आज के दिन चलता है, तो एस्टिमेट करो कि 5 बजे तक तो घर पहुँच ही जाएंगे। सबसे पहले मैं पीऊँगा गर्मा गर्म चाय। घर वापस भी हो गया, आज का पूरा दिन ऐसे ही बीता। गाड़ी बैक हो रहा है पीछे, देखिए कहीं ब्लॉगिंग करते करते धक्का ना खा जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा रोड ठीक किया गया, उसके बाद ये और दिक्कत हो गया। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये गड्ढा इतना ज़्यादा कर दिया कि गाड़ी को प्रॉब्लम होता है आगे पीछे करने में। तो पता नहीं क्या सोच के किया है, अच्छा ही करने गए थे लेकिन हो गया नुकसान ज़्यादा। तो अब जाके लग रहा है कि हाँ वो लोकेलिटी मुझे पसंद आने लगा है, नया लोकेलिटी है। वहाँ पे पहले रहा नहीं हूँ वहाँ पे कभी भी। तो फिलहाल आज का वक्त है मेरा अब रेस्ट लेने का। बाय बाय।